आप समझते हैं कि एक सियासतदान को भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने चाहिए, बात करनी चाहिए? चलें दरवाज़ा बंद कर दें, खिड़की खोल लें। आपने कोशिश की कि खिड़की खुले? हमने तो हमेशा यही कोशिश की है। ज़ाहिर अब तो हमारी कोई पोजीशन नहीं है, कोई उस तरह नहीं है, बट जब तक थे मैं तो ज़ाहिर है पॉलिटिक्स जो है वो तो बात ही थी का नाम है। आपने बंदूकें तो नहीं निकाल लेनी ना, वो तो हमारा ट्रेट ही नहीं है, हम क्या कर सकते। आपका एक बड़ा हमने मशहूर देखा कि छीन के लेंगे आज़ादी, हम ले के रहेंगे आज़ादी, तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी, ये आज़ादी तो बुनियादी बात, आज़ादी किससे चाहिए थी सर? देखिए ना, मौजूदा निज़ाम में अगर कोई शख्स आज़ाद नहीं हो, इस निज़ाम से आज़ादी नहीं चाहता तो और वो सारी उम्र कैद रहना चाहता है इस निज़ाम में, तो उससे तो हमदर्दी ही की जा सकती है ना। ये तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तो जो आज़ादी की लहर है, इस निज़ाम से आज़ादी की लहर जो है वो तो सरायत कर चुकी है। ये जो तरीके इंसाफ की पॉपुलैरिटी है, ये उसी आज़ादी के लिए तो है। आज़ादी से मुराद ये है कि आपने यहाँ पे जो स्टेटस को है वो तोड़ना है, आपने अवाम के पास जो फैसले हैं वो बंद कमरों से निकल के अवाम के पास जाने चाहिए, वोट का ऊपर जो है वो हुकूमत बननी चाहिए, आपके आइन के ऊपर अमल होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलनी चाहिए। जब तक ये निज़ाम बहाल नहीं होता, निज़ाम इंसाफ का निज़ाम बहाल नहीं होता, उस वक्त तक कैसे आप इस निज़ाम में